तू तो कुछ भी नहीं पढ़ाई कर रहा है ऐसा बोल। तो मैं नहीं पढ़ता वैन में, मैं क्यों पढ़ूंगा वैन में, क्या घर पे पढ़ता है? तो देख ले आज तू नहीं पढ़ता है। ये बेचारे अक्षय का भाई साहब फोटो नहीं लगाए प्लेसमेंट वाले में, सबका लगाए। पार्थ का खुद इस ब्लॉग का मेन कैरेक्टर और तूने ब्लॉग नहीं देखा, कितनी गलत बात है। अभी जस्ट एकदम ब्लॉग का कंटेंट मिला है। किसकी है स्कूटी? ये मानसी बेचारी मानसी की स्कूटी की चाबी है का? चाबी है का? डिक्की में दे, गाली मत दे, नहीं तो नहीं लूंगा। देख रहे हो गाली दे रहे हो। सो हे गाइस, कैसे आप सब? तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए रापचिक ब्लॉग में। भाई साहब आज आप देख रहे होंगे कि हम रोड पे पैदल जल्दी जल्दी चल के जा रहे हैं, और जल्दी जल्दी चल के हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज से हम एग्जाम देने वैन में जाएंगे। तो हमारे जो वैन वाले काका हैं वो हमको लेने आ चुके हैं, तो बस थोड़ा सा ही दूर है घर से। जैसे वो आपको दूर वहाँ पे शॉप दिख रही होगी, बस वहीं तक ही हमको जाना है। वैन में बैठेंगे, फिर सारे बच्चों को एक एक करके पिक करेंगे और पहुँच जाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 8:10, तो 8:10 पर हम निकलेंगे, तो मतलब मान के चलो एक घंटे में पहुंच जाएंगे। बाकी तो बढ़िया है, चलो मिलाते हैं आपको सबसे आज वैन वाले अंकल से, और फिर हमारे वैन में जो भी बच्चे आते हैं उनसे सबसे। जय श्री कृष्णा अंकल, कैसे हो? बस मजे में। ये हमारे वैन वाले काका हैं, तो आज से हमारा इनके साथ आना जाना होगा जब तक पेपर चलेंगे, है ना? चलते हैं। अरे नहीं, मेरे को बोल रहे हैं ब्लॉग ब्लॉग बना, तो तू बता तूने पढ़ाई कितनी कर ली? उसने तो करी नहीं है, तो वो तो मना ही कर रही है मत बना, क्योंकि ये पढ़ रही है। देख लो पूरा दिन घर पे टाइम नहीं मिलेगा, वैन में आके पढ़ना है। शादी में दोनों ही होता है ना भाई? हैं, कल शादी में गई थी, शादी अटेंड करनी होती है फ्रेंड की। कल शादी में गई थी, वरना अपनी शादी में कौन आएगा? पहले तो वही होगा ना पोर्शन। कल नहीं थी दस को, तो कल क्या किया? तो कुछ भी नहीं पढ़ाई कर रहा है ऐसा बोल। तो मैं नहीं पढ़ता वैन में, मैं क्यों पढ़ूंगा वैन में, क्या घर पे पढ़ता है? तो देख रहा है आज तू नहीं पढ़ता है। आज तो पक्का 1 मिलियन व्यू आने वाले है, ये अपने 5 बार रिवीजन किया है ना। बहुत इजी है, बहुत 5 बार रिवीजन किया है, हो जाएगा। है तो मैं बताता हूँ कल रात में हुआ क्या भाई साहब। ये और हम तीनों लोग रात में कर रहे थे वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल करने के बाद ऐसा हुआ कि नींद आ रही है सबको और सब सोने जा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी कितने बजे सोया तू? 1:30 के बाद। 1:30 तो इंस्टाग्राम चलाने के लिए सोया था वो। पर उसका तो 5 बार रिवीजन हो गया है भाई। हाँ। हमारा तो नहीं हुआ ना 5 बार। तो आगे वाले ब्लॉग में हम आपको बताएंगे क्या सीन है। बहुत जल्दी कॉलेज आ गए हम लोग, वैसे अभी टाइम हो रहा है 9:12 पे पहुंच गए हमारे। अच्छा, बहुत जल्दी, अभी कोई आया नहीं, कॉलेज की बसें आई है, बस वाले बच्चे आए हैं। ये 5 बार रिवीजन करके फिर से किताबें खोल ली और छुपाते हुए। ये बेचारे अक्षय का भाई साहब फोटो नहीं लगाए प्लेसमेंट वाले में, सबका लगा है। पार्थ का भी लगा हुआ है, इसका भी नहीं लगा है, पार्थ का लगाया है। फीस नहीं भरी है क्या? इसका भी नहीं लगा, इसलिए फी बढ़ रहे हैं, इसका लग गया। ये भी बाकी है। ये तो चल बहुत बाद में प्लेस हुआ है, सालों बाद। क्या हाल चाल? बस कड़ा पढ़ लिया भाई, बाकी है इसमें क्या बाकी है? और तो बाकी है ला। तो भाई साहब अभी हम एग्जाम देके आ गए और नील आकाश ने हमारा व्लॉग नहीं देखा है। भाई देख लो, तू खुद इस व्लॉग का मेन कैरेक्टर और तूने व्लॉग नहीं देखा, कितनी गलत बात है। कब देखेगा? घर जाते ही तुरंत। अब सारे वीडियो हर रोज देख लेगा ना 7:30 बजे। चलो ठीक है, डिक्की पे चाबी डाल दी है। अभी जस्ट एकदम ब्लॉग का कंटेंट मिला है। किसकी है स्कूटी? ये मानसी बेचारी मानसी की स्कूटी की चाबी है का? चाबी है का डिक्की में? बहुत गाली मत दे, नहीं तो नहीं लूंगा। देख रहे हो गाली दे रहे हो। शादी शुदा है भाई, बच्ची नहीं है, बच्चे करने वाली है। बहुत जल्दी भाई ये सब ब्लॉग में उतरेगा, ये सब मैं कटम कट कर दूंगा। काट देना भाई, काट देना। नहीं ये बेचारी शादी हो गई है, शादी हो गई है, बच्चा बोला तो ये बच्चे करने की उम्र में बच्चा क्यों बोल रहा है? सही बात है। चलो हम निकलते हैं, हमारी वैन आ गई। बाय बाय बाय। आ जाए ट्रैक्टर के सामने। साले मैं अकेली हूं। अकेली है तो क्या, अकेली है तो क्या, मर थोड़ी ना जाएगी। हम तीन तो है ना पीछे, हमें भी तो उतना ही खतरा है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पैर टूट जाएंगे, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगी। बस हमें तेरे से खतरा है। चलो अंकल, जय श्री कृष्णा। चलो भाई साहब पहुंच गए हम भी घर, अभी घर जाके आपको मिलता हूँ क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। देख रहे हो, अभी रोड पार कर लेते हैं।
आज का पेपर भाई साहब बहुत ही मस्त गया है, मतलब आज मजा आ गया। अभी मैं घर पहुंचा हूं जस्ट एंड जस्ट, फुल लिखता ही जा रहा था, मतलब सप्लीमेंट्री आज एक्स्ट्रा हमने ली है, बताता हूं अभी आगे चल के। पहले तो मैं दरवाजा खोल लेता हूं। तो आज भाई साहब सुबह हम जाने में थोड़ा लेट हो गए थे, और लेट इसलिए हो गए थे क्योंकि बाइक से जाना होता है तो खुद के टाइम के हिसाब से निकलते हैं, लेकिन आज हमें वैन से जाना, तो वैन का 8 बजे का टाइमिंग था, तो 8 बजे पहुंचना था। तो लेट होने की वजह से हमने हमारे इस प्लांट को भाई साहब आज सुबह पानी नहीं दिया था, तो अभी जस्ट इसको पानी दिया। और मैं अभी अपने लिए बना रहा हूं भाई साहब यहां पे मैगी, तो वही अपना यिप्पी नूडल्स, मैगी नहीं, यिप्पी नूडल्स हमको अच्छा लगता है, तो यिप्पी नूडल्स बना रहे हैं। पानी यहाँ पे गर्म हो रहा है और ये रही हमारी यिप्पी, तो बनाएंगे और फिर खाते हैं। तो भाई साहब आप लोगों को एक अपडेट देना था, वो अपडेट ये है कि अभी हमारे जो व्लॉग्स आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेंगे, कुछ पुराने व्लॉग्स हैं जो हमने शूट किए हुए थे लेकिन उनको एडिट करके डाला नहीं था, तो वो वाले व्लॉग मैं आगे चल के डालूंगा। क्योंकि यार देखो अभी है क्या सीन कि मेरे 4 एग्जाम लगातार हैं, अभी ऐसे तो मान के चलो अभी एक एक दिन छुट्टी चल गई थी इन एग्जामों में, लेकिन अभी आने वाले जो एग्जाम है वो सारे के सारे लगातार है भाई साहब, तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी लगातार एग्जाम में वीडियो को रोज बनाना, रोज ही एडिट करना। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट किए हुए हैं तो उन्हीं वीडियो को एडिट करके डालूंगा, बस यही सीन है। और भूख बहुत तेज़ लगी, और आज का पेपर तो जो एक नंबर गया है ना, आज वाला पेपर जितना अच्छा तो मेरा कोई पेपर गया ही नहीं आज। मतलब दिमाग में इतनी सारी बातें आ रही थी, मैं लिखे जा रहा हूँ और मैं लिखता ही रह गया। और जैसे ही मैंने मैम से बोला कि मैम सप्लीमेंट्री, मैंने एक सप्लीमेंट्री मांगी तो पता नहीं मैम को भी शायद ऐसा लग गया होगा कि भाई साहब आज ये बहुत ही लिखने वाला है, तो मैडम ने एक की जगह मेरे को 2 सप्लीमेंट्री दी, तो मैंने मना भी नहीं किया, मैंने बोला हाँ ठीक है, लिखा भाई साहब वो 2 भर दी मैंने, फिर उसके बाद पूरी हो गई भाई वो, फिर मैंने वापस मैम को बोला मैम एक और सप्लीमेंट्री, वापस सप्लीमेंट्री ली, वापस लिखा भाई साहब इतना तो आज मैंने लिखा है। तो मजा आ गया आज के पेपर में। ये बन रही है भाई साहब अपनी मैगी, और आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर व्लॉग में मैं कॉलेज से आके फिर मैगी बना के ही खाता हूँ, वो इसलिए क्योंकि इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट बन जाती है, फटाफट खा लेता हूँ और फटाफट एडिटिंग करने के लिए बैठ जाता हूँ, क्योंकि घर आते आते 2 बज जाते हैं, खाते पीते 2:30 बज जाते हैं और फिर एडिटिंग करना चालू करता हूँ, तो एडिटिंग जाके समाप्त होती है 5 बजे तक 6 बजे तक, और वीडियो 7:30 बजे डेली आनी होती है, तो उसकी वजह से हमें मतलब थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना होता है, और फिर बीच में कुछ खाते रहता हूँ चीज़ें, तो उसकी वजह से अपना काम चल जाता है। ये भाई साहब अभी मैं शर्ट चेंज कर रहा था, और ये देखो ये बटन यहाँ का टूट गया, और ये हमको कॉलेज पहन के जाना आना होता है, अभी एक बटन होगा नहीं तो क्या करेंगे। अभी घर वालों के साथ होता तो मम्मी को बोलता है ये करके दे दो, तो फटाक से मम्मी यहाँ पे बटन सिल देती अभी, लेकिन है नहीं तो क्या कर सकते, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने को जुगाड़। बाकी 2 ही शर्ट है, एक गंदा पड़ा हुआ है, एक ये है, तो इसको धो के फिर, वैसे कल छुट्टी है तो बढ़िया है, कल कर लेंगे जो भी है जुगाड़। हाँ तो भाई साहब आप लोगों से एक राय लेनी थी, वो राय ये लेनी थी कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम कॉलेज वाले जो भी व्लॉग्स हैं वो बना रहे शूट करें, क्योंकि डेली हमको व्लॉगिंग करनी है, तो डेली जो भी कंटेंट मिल रहा है सारा का सारा बना रहे, वीडियो डाले, तो आपको कॉलेज वाले व्लॉग कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे तो मुझे बताना, मैं आगे चल के भी बनाऊंगा, क्योंकि अभी वैसे तो हमारे 5 एग्जाम बाकी है, तो उन 5 एग्जाम का जो भी हमारा शेड्यूल होगा वो सारे व्लॉग तो हम बनाने ही वाले, लेकिन उसके अलावा अगर हमारी ऑफलाइन क्लासेस इसके बाद में वापस से चालू होती है तो कॉलेज जाएंगे क्या करेंगे वो सारे व्लॉग भी आपको बना बना के देंगे। तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं हमारे कॉलेज व्लॉग तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताना, और ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, और अगर हमारे नए व्यूअर हो, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो हमारे और भी जाके वीडियोस देखना, अगर वो सारे अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।